स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आइडियल स्कूल का एनुअल डे जश्न बीजापुर के रंग मंदिर में। आइडियल हायर प्राइमरी मोहम्मदिया उर्दू प्राइमरी स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया, जिसमें शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान ने उद्घाटन करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर देकर कहा कि ये दौर कॉम्पिटिशन का दौर है। जिस तरह हम बच्चों को जिस्मानी तंदुरुस्ती का टीका लगाते हैं, उसी तरह जिंदगी का सबसे अहम टीका तालीम का लगाएं, जिससे हमारा बच्चा समाज में हैंडीकैप होकर जीने के लिए किसी का मोहताज न हो। इस दुनिया का मुकाबला हम सिर्फ तालीम से ही कर सकते हैं। इस मंच पर बी न्यूज नेशन के CMD शकील बागमारे, स्कूल के संस्थापक शारपियादे CRC CRP में रियाज तमदर्टी, सलीम बागवान बिरादार, शिक्षक, स्कूल के छात्र और बड़ी तादाद में बच्चों के पोषक मौजूद थे। He has always been ready to lend his helping hand. With a smile on his lips, he shoots all our troubles effortlessly. I am very much glad to welcome you, sir. I request Asam Bombay sir to that. Next, from Ideal Canada Primary School, we have Afan Sheikh of 5th Standard. Next, we have Shraddha Patil of 3rd Standard. Abdul Rahman Biradar of 5th Standard, best student 2017-18. I request all the parents to kindly clap. Next we have Zuberia Mullah of 5th Standard. Thank you, sir. Next, on the third place, we have Fazal Baba Khan. Third place is backed by Faizan Baba Khan. I request all the parents kindly clap. Thank you, sir. So third place is backed by Jahara Borgi of 4th Standard. Yeah,
बागमारे साहब, विजयपुर के बीआरसी एसके बिरादर साहब, जनाब एचएम सज्जादे साहब, रियाज समदर्दी साहब, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जानता हूं आप अपने बच्चों में जो उनकी स्पेशलिटी है, जो आज स्कूल वालों ने एक स्टेज बनाया है कि आप बच्चों में से जो जो भी कला आपके बच्चों में छुपी हुई है, उस कला को उभारने के लिए या निकालने के लिए या दिखाने के लिए एक स्टेज का एक एनुअल डे प्रोग्राम है। आप उनको, अपने बच्चों को देखने के लिए बड़ी बेताबी से हैं, मैं ये जानता हूँ। इसीलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ दो बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 130 करोड़ की है, जिनमें से एक साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक की जो आबादी है, मैं समझता हूँ तकरीबन 30% है। इसका मतलब कि 40 करोड़ बच्चे हैं। आज हमारे बच्चे जो एजुकेशन कर रहे हैं, आप लोगों की ऐसे माहौल में जहाँ पे 40 करोड़ की आबादी के जो बच्चे हैं, उनमें आपका कंपटीशन रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप नए नए टेक्नोलॉजी लेके नए नए तरीके से इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करके अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की आप लोग कोशिश करते हैं। जो आप अपने बच्चों को जो नहीं कर, आप अपने लिए जो नहीं कर पाए, आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को किसी भी तरह अपने तालीम से बीच में ही मत रोकें, इनको कंप्लीट करें। भले चाहे आपको किसी भी तरह की तकलीफ होने दो, क्योंकि आज हमें कामयाब होने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं हमेशा के तौर पर एक बात बोलता हूँ, वो आज आपके सामने भी बताना चाहता हूँ। जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए एक इम्यूनाइजेशन करते हैं, जैसे आम तौर पर हम लोग पोलियो का टीका वगैरह कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं, वो आप क्यों लगवाते हैं? MMR होने दो, पोलियो का टीका होने दो, मीजल्स का होने दो, आजकल हेपेटाइटिस का भी टीका लगा रहे हैं। हम अपने बच्चों को ये आगे बीमार ना हो, हमारे बच्चे आगे चल के हैंडीकैप ना हो, इसके लिए हम अपने बच्चों के लिए टीका लगा रहे हैं। मगर साथ ही साथ और एक टीका लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, वो है एजुकेशन का टीका। क्यों? आने वाले दिनों में ये एजुकेशन का टीका अगर आप लगाएंगे तो हमारे बच्चे सामाजिक हैंडीकैप ना होंगे, इसीलिए आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और इस कंपटीशन दौर में हौसले की बड़ी ज़रूरत है।
आप अपने बच्चों को हमेशा हौसला देते रहें, खास तौर पे हमारे जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको भी आप हौसला दें। क्योंकि आज इस शेर के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब टूटे हौसला तो याद रखना, जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो तहाज नहीं मिला, नहीं मिलते। बिना मेहनत के जब टूटे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेता है जुगनू भी अंधेरों में मंजिल, ढूंढ लेता है जुगनू भी अंधेरों में मंजिल, क्योंकि वो रोशनी का मोहताज नहीं होता। इसीलिए आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस के बारे में एक बहुत पुरानी बात मुझे आज याद आ रही है। एक पुराना ज़माना था, देखिए सर, एक पुराना ज़माना था, एक बच्चा घर से सुबह सुबह बाहर निकला तो एक चौराहे में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। वो बच्चा परेशान हुआ, क्या हुआ है देखने के लिए। जब वो भीड़ में जाके देखा तो एक भविष्यवाणी बोलने वाला, यानी फ्यूचर टेलर, भविष्यवाणी बोलने वाला, जो मशहूर उस जमाने में जो मशहूर था, वो बैठा था। सब लोग अपने अपने हाथ दिखा के अपना भविष्य जान रहे थे। वो छोटे से बच्चे ने अपना भी हाथ दिखाने की जिद की, उस लाइन में खड़ा रहा। तो जब बच्चे का नंबर आया तो वो भविष्यवाणी बोलने वाला, बताने वाला, वो बच्चे को ये बोला, तू जान के क्या करेगा इस छोटी उम्र में कि तेरा भविष्य क्या है। नहीं, मुझे जानना है, वो बच्चे का जिद थी, मुझे जानना है। तो वो भविष्यवाणी बोलने वाला बच्चा, उस बच्चे, वो आदमी उस बच्चे का हाथ देख के परेशान हो गया और कहने लगा, अगर तेरी हाथ की लकीर और कुछ लंबी होती तो तू इस दुनिया का बादशाह होता। अगर तेरी हाथ की लकीर और कुछ लंबी होती तो तू इस दुनिया का बादशाह होता। तो उस बच्चे ने झट से एक चूंक से एक चुमकीला पत्थर लिया, लेके हाथ को काट दिया, काट के वो लकीर थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, उस बच्चे का हौसला देख के वो भविष्यवाणी बोलने वाला परेशान हो गया और उसी वक्त उसने कहा कि तू सही भी एक ना एक दिन दुनिया का बादशाह होगा। वो हकीकत ऐसी ही निकली कि वो आने वाले दिनों में आगे चल के वो एक बादशाह हुआ। उस बादशाह का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम जिसे हम कहते हैं। मैं ये यहाँ पर ये नसीहत नहीं देना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों का हाथ काटें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान को बहुत से आगे ले जा सकती है। फिर एक बार आप लोगों का, स्कूल का, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ऐसी बात करते हुए आपको, आपके पूरे स्टाफ वालों को, स्कूल को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपने जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फॉर द एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, आई टेक अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द गेस्ट फॉर टेकिंग आउट वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल टू ग्रेस दिस ओकेशन। We are honored to have with us parents who provide us the support, without which such programs are not possible. We would also thank the management of Sri Kangal Hanumantri Yarang Mandir Light and Sound System team. We thank Sri J.D. Sharbade sir and president of our school, Srimati Reshma Sharbade madam, the whole staff and the student association for the active support. Thank you one and all. You have a good time. Thank you. Wonderful performance.
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।